महज गाड़ी पार्किंग को लेकर हुई हत्या से कांदिवली परिसर में तनाव फैला हुआ है। कांदिवली पश्चिम स्थित मुस्तफा कंपाउंड में बीते दिनों अहमद खान नामक एक ड्राइवर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण महज पार्किंग बताया जा रहा है। इस हत्या के चलते पूरे माहौल में तनाव बना हुआ है। मृतक परिवार को न्याय दिलाने के लिए तमाम समाजसेवी और स्थानीय जनता आक्रोशित नजर आ रही है। अहमद खान की हत्या के बाद तीनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जनता और परिवार अब यह आरोप लगा रही है कि अब इन परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूरी जनता बोरीवली स्थित न्यायालय के दरवाजे तक भी पहुंची। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये मर्डर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उनका इंटेंशन क्या था, और भी कुछ है इसके अंदर, वो इंक्वायरी करने के लिए और 2 दिन का पुलिस कस्टडी दिया गया। देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन इन मासूमों को भरण पोषण के लिए कुछ मदद दिला पाएगी। समय नेशनल मुंबई। सोसाइटी का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ करीब करीब 36 साल से मैं वहाँ रहता हूँ, और जो है इन लोग ने एकदम गलत काम किया है। इन लोग को ज़्यादातर पैसे की चर्बी है और किसी से भी सीधी बात नहीं कर रहे थे ये लोग, और इन लोग को जिसने मारा है अस्पाक, वो उसको तो फांसी का सजा होना चाहिए। बाकी दोनों जो सपोर्ट किए हैं, जो सपोर्टर हैं, उन लोग को भी कम से कम कारावास का सजा होना चाहिए, यही इंसाफ है। उस औरत के पास एक 10 महीने का बच्चा है छोटा गोद में, और एक 3 साल का है। अब वो कहाँ जाएगी, उसको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, उसका कोई भाई नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, यहाँ भाड़े पे रहती थी वो। और हम लोग पूरी सोसाइटी का शांति सुबह सोसाइटी जितना है वो सब हम उसके साथ हैं, और न्याय चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ये केस दबाया ना जा सके। बिल्कुल, कहने के जो आवाम है पूरी तरह से मांग कर रही है कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन कहने के परिवार भी है वो उजड़ा हुआ है, उनको भी तो आर्थिक सहयोग लगेगा, परिवार टूटा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हत्या एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे इंसानियत की हत्या है, और ये एक बहुत बड़ा दहशत है कि आए दिन हमारे यहाँ गणेश नगर में बड़ा भाईचारगी रहता था, इस तरह का घटना जो है पूरे समाज में चर्चा का विषय है। मैं न्याय प्रणाली पे भरोसा रखता हूँ और उससे ये डिमांड करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट जैसा सजा हो, उनको आजीवन कारावास हो, और उसके बाद मैं राज्य सरकार से ये डिमांड करूँगा और प्रेशर भी डालूँगा कि इस पे जो है फैमिली को मुआवजा मिले, और कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना हुई है इस पे सारे सोसाइटी के लोग, हर समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक ही नारा है कि वी वांट जस्टिस। इसमें इंसाफ मिलना चाहिए उस विधवा औरत को, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन फैमिली को, क्योंकि इसी तरह हादसा होता है, बाद में कानून का इन लोग गलत इस्तेमाल करके 2-4 महीने में एंटीसेप्टिक बेल लेके वापस आ जाते हैं। तो मैं पूरी टीम के साथ, पूरी आवाम के साथ इस आक्रोश को जगाता रहूँगा और मेमोरेंडम के शक्ल में मंत्रालय तक इसकी आवाज़ को मैं उठाने की पूरी कोशिश करूंगा और इसको इंसाफ दिलाने की पूरी ताकत रखूंगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आवाम है वो इंसाफ, वी वांट जस्टिस का नारा ये लगा रहे हैं यहाँ पर, और इनका सीधा कहना है कि जिस प्रकार से हत्या हुई है उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो। समय नेशनल के पास इन्होंने सबसे पहले दरकार की। समय नेशनल इनके हर उस मुकाम पर हमेशा खड़ा नजर आएगा जैसे कि आज खड़ा हुआ मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट गजान दुबे के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।